गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, आज आपकी हिंदी की क्लास है और हिंदी में आज हम हिंदी व्याकरण करेंगे। हिंदी व्याकरण में आज हम नया एक लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 6, जिसका नाम है लिंग। नाम से पता चल रहा होगा आप कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लिंग के बारे में। तो इस लेसन में मैं कुछ आपको रीड करके बताने वाली हूँ, ब्लैक बोर्ड पर भी समझाऊँगी। तो जो भी मैं रीड कर रही हूँ ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। यहाँ छात्र और छात्रा शब्द पुरुष जाति तथा छात्रा और रानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इन्हें व्याकरण में लिंग कहा जाता है। देखिए कुछ हमें शब्द दिए हैं, जैसे दिए छात्र और राजा, यहाँ दिए छात्रा और रानी। तो देखिए छात्र और राजा ये हमें किस जाति का बोध करा रहे हैं, ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये किस जाति का बोध करा रहे हैं, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, पुल्लिंग है। क्या शब्द है ये हमारे, पुल्लिंग। और ये छात्रा और रानी ये किसका बोध करा रही है, हमें स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। तो ये क्या हुआ, मेरे स्त्रीलिंग शब्द हुए। यानी हम क्या पढ़ने वाले, लिंग के बारे में जो हम पढ़ने वाले वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वह शब्द संज्ञा या सर्वनाम का स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध कराते हैं। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम है लेकिन स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध करा रहे हैं, यानी जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि वो स्त्री जाति से बिलोंग करते हैं पुरुष जाति से, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब लिंग में हम यहाँ दो प्रकार के लिंग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये आपको उदाहरण के लिए दिया, मैंने क्या दिया, ये उदाहरण है। तो ये हमारा क्या है, छात्र और राजा हमारा क्या है, ये हमारा है पुल्लिंग। क्या है ये हमारा, पुल्लिंग। और इसी तरीके से छात्रा और रानी ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है ये, स्त्रीलिंग। क्या है ये, स्त्रीलिंग। तो देखिए इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है, इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि कौन से शब्द पुल्लिंग जाति से हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग जाति से। इस तरह हमारे लिंग के कितने भेद हो गए, लिंग के भेद हो गए हमारे पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा है पुलिंग। तो स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द कौन से हैं और पुलिंग में आने वाले शब्द कौन से हैं, अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए स्त्रीलिंग में शब्द आए, जैसे मैंने बताया आपको, छात्रा, रानी, माता, लड़की। तो ये हमारे किस में आए, सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आए। और पुल्लिंग में हमारे कौन से शब्द आए, उदाहरण में मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है, जैसे कि छात्र, छात्रा, पिता, लड़का। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पुल्लिंग में आए। यानी वह शब्द जिससे हमें उसके स्त्री या पुल्लिंग पुरुष जाति के होने का बोध पता चलता है हमारे लिंग कहलाते हैं। और यहाँ हमने लिंग पढ़े हैं दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम इसे बुक में करने वाले हैं। हम लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब देखिए व्याकरण में लिंग की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो व्याकरण में लिंग की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है, यानी इस तरीके से की जाती है। जैसे अगर हमें प्राणियों में लिंग की पहचान करनी है तो इसमें लिंग की पहचान हम कैसे करेंगे, इसमें लिंग की पहचान उनके नामों से होती है। किससे होती है इसमें लिंग की पहचान, उनके नामों से। यानी हर प्राणी का कुछ ना कुछ नाम होता है और उसका हम नाम नाम बताएंगे तो उसे पता चल जाएगा वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जैसे हमने बोला मुर्गा तो ये क्या है, पुल्लिंग है। हमने बोला मुर्गी तो क्या है, ये स्त्रीलिंग है। हम अगर बोल रहे हैं लड़की तो ये अगर हम लड़का बोल रहे तो ये क्या है, पुल्लिंग है। क्या है ये, पुल्लिंग है। और हम लड़की बोल रहे तो क्या है, ये स्त्रीलिंग है। और हमने बोला अभिनेता, अभिनेता का मतलब क्या है, ये अभिनेता नाम से पता चल रहा है पुल्लिंग है। हमने बोला अभिनेत्री, जैसे कि नाम से पता चल गया आपको ये क्या है, स्त्रीलिंग है।
तो हर प्राणी का कुछ ना कुछ नाम होता है और उसका नाम ही पहचान करा देता है कि स्त्री जाति से है पुरुष जाति से। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग जाति की पहचान क्या होती है प्राणियों में, उनके नामों के द्वारा होती है। अब देखिए निर्जीव वस्तुओं में लिंग की पहचान, अब देखिए सारी चीज़ें तो सजीव नहीं होती ना, कुछ चीज़ें निर्जीव भी होती है, जैसे टेबल है, चेयर है ना, कुर्सी, मेज, पेंसिल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें निर्जीव भी होती है, तो उनमें हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो निर्जीव वस्तु में लिंग की पहचान क्या होती है, उसमें लिंग की पहचान विशेषण अथवा क्रिया शब्दों से होती है। अब इसमें लिंग की पहचान हम किससे करते हैं, विशेषण और क्रिया शब्दों से। अभी मैं आपको इसके उदाहरण भी बताने वाली हूँ। जैसे मैंने बोला यह कागज पतला है, पतला, तो यहाँ पे क्या है, पतला क्या पहचान करा रहा है कि ये पुल्लिंग, ये क्या है, पुरुष जाति से और पुल्लिंग है, ये क्या है, पुरुष जाति से और पुल्लिंग है। अब मैं बोल रही हूँ अगला, दीपक जल रहा है, तो दीपक जल रहा है, रहा है यानी पुल्लिंग है, ये भी किससे, पुल्लिंग से है। अब मैं बोलती हूँ यह पुस्तक मोटी है, मोटी से क्या पता चल रहा है आपको, स्त्री जाति से, तो ये शब्द किसका है, स्त्रीलिंग का है। अब मोमबत्ती जल रही है, जल रही है यानी ये किससे है, स्त्री जाति से, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो निर्जीव वस्तु में पहचान करने का तरीका क्या है, उनके विशेषण और क्रिया शब्द द्वारा हमें उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान होती है। यह नीचे आपके अध्ययन के लिए कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो। तो देखिए पुल्लिंग शब्द क्या है, जैसे हाथी, हंस, दर्जी, वर, ससुर, ताऊ, धोबी, ग्वाला। अब इसके स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, हथनी, हाथी का हथनी, हंस का हंसनी, दर्जी का दर्जिन, वर का वधू, सास ससुर का सास, ताऊ का ताई, धोबी का धोबिन, ग्वाला का ग्वालिन। अगले देखिए पुल्लिंग शब्द, मोर का मोरनी, सुनार का सुनारिन, कवि का कवियत्री, बालक का बालिका, गुणवान का गुणवती, सेठ का होता है सेठानी, और नाना का क्या होता है, नानी। अब देखिए बूढ़ा का क्या होता है, बुढ़िया, स्त्रीलिंग शब्द। बिलाव क्या हमारा, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया, बिल्ली। पति क्या है हमारा, पुल्लिंग है, और पत्नी स्त्रीलिंग। नौकर पुल्लिंग है और नौकरानी स्त्रीलिंग। जेठ क्या हमारा, पुल्लिंग है और जेठानी स्त्रीलिंग। गायक हमारा फिर से पुल्लिंग है और गायिका उसका स्त्रीलिंग शब्द है। पिता हमारा पुल्लिंग शब्द है और माता हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। शेर और शेरनी, ये शेर क्या है, पुल्लिंग है और शेर भी स्त्रीलिंग है। अब पुल्लिंग से शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ पुल्लिंग शब्दों में क्या लगाई जाती है, ई की मात्रा लगाई जाती है। अब देखिए कुछ शब्द पुल्लिंग है, उन्हें स्त्रीलिंग करने के लिए हम उसमें क्या कर रहे हैं, ई की मात्रा लगा रहे हैं। जैसे काला का हमने क्या किया, ई की मात्रा लगा दी, काली हो गया। मीठा का क्या हो गया, मीठी हो गया। छोटा का छोटी, हम इसे स्त्रीलिंग बना रहे हैं ई की मात्रा लगा के। झूठा का झूठी, और आगे देखिए मोटा का मोटी, हमने ई की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। पतला पतली, ई की मात्रा लगा के हमने स्त्रीलिंग बना दिया। पीला का पीली, छोटा का छोटी, आपने देखा ई की मात्रा लगा के हम पुल्लिंग शब्दों को क्या बना सकते हैं, स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, उनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता, जैसे टमाटर, सूरज, कमल, आम, गुलाब, चांद, ये हमेशा आपको किस में मिलेंगे, हमेशा पुल्लिंग में मिलेंगे। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, उनका पुल्लिंग शब्द आपको नहीं मिलेगा, जैसे ऐनक, सीटी, मछली, चाबी, माला, कार, तो ये शब्द हमारे किस में, ये शब्द हमारे हमेशा स्त्रीलिंग में आएंगे। अब आगे हम इसकी बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखो। क्लास फर्स्ट ये क्या हमें दिए, कुछ शब्द हमें दिए हैं, इनके हमें क्या लिखने हैं, ये हमें पुल्लिंग में दे रखे हैं, इनके स्त्रीलिंग शब्द हमें लिखने हैं। जैसे कहार का क्या होगा, कहारिन, मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। चूहा का चूहिया, वर का क्या होगा, वधू। कवि का क्या होता है, कवियत्री। धर्मवान का धर्मवती, छात्र का छात्रा। पंडित का क्या होता है, पंडिताइन। मामा का मामी, और अभिनेता का क्या होता है, अभिनेत्री। तो ये हमने क्या किया है, हमने पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आप, इसमें क्या है, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। यहाँ हमें स्त्रीलिंग शब्द दिए, इनके हमें क्या लिखने हैं, पुल्लिंग लिखने हैं। तो देखिए जैसे ताई का क्या होता है, ताऊ। चाचा का, सॉरी, चाची का चाचा। पत्नी का पति। बहन का क्या होता है, भाई। नायिका का क्या होता है, नायक। शेरनी का क्या होता है, शेर। और अध्यापिका का क्या होता है, अध्यापक। धोबिन का क्या होगा, धोबी। और लड़की का, लड़का। तो ये क्या किया, हमने स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में चित्रों में दी गई वस्तुओं के लिंग बताना।
चित्रों में दी गई वस्तुओं के लिंग बताने हैं, यानी आपको पिक्चर देखनी है इनकी और उसको देख के आपको अंदाज़ा लगाना है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग से, ठीक है। तो ये क्या है, कमल किससे किस में आता है, ये हमारा पुल्लिंग में आता है। किस जाति में, पुरुष जाति में, तो पुल्लिंग में आएगा। गिलास हमारा पुरुष जाति में है तो किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। और चाबी नाम से ही पता चल रहा है स्त्री जाति से बिलोंग करती है तो किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। तो ये क्या थे हमारे, हम क्लास फर्स्ट की लिंग की बैक एक्सरसाइज थी, इसको कर लेना बेटा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगी। बाय बेटा, हैव फन।